दोस्तों, आज की वीडियो में नीम का पेड़ जो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है उससे हम कैसे अपने पशुओं की 6 से 7 बीमारियां अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं, और कौन कौन सी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं, और किस किस बीमारी में किस किस मात्रा में हमें नीम के पत्ते खिलाने हैं या उसकी छाल खिलानी है। दोस्तों, जैसे पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए पशु के शरीर पर कहीं पर भी जख्म हो गया हो, जख्म में कीड़े पड़ गए हों, पशु कम खाता हो, अपचन रोग उसको हो गया हो, पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए, और पशु किसी भी प्रकार लंगड़ाता हो, तो उसके लिए हम नीम के पेड़ से ही पशु को ठीक कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखेंगे सबसे पहले नीम का पेड़, उसकी पहचान के लिए आपको दिखा रहा हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई नीम के पेड़ को नहीं पहचानता होगा। दोस्तों, ये नीम का पेड़ है। अपनी वीडियो शुरू करेंगे। हर एक बीमारी का मैं, वैसे तो 25 से 30 तरह की बीमारियाँ इससे ठीक की जा सकती, लेकिन यहाँ पर 6 से 7 बीमारियाँ आपके बताऊँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरु जी यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। दोस्तों, सबसे पहले पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए हम नीम का क्या उपयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा में उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए 150 ग्राम नीम के पत्ते और 150 ग्राम अनार के पत्ते पीस कर उनका रस पिलाने से पशु के पेट के कीड़े मर जाते हैं, और ऐसा हम 2 या 3 दिन लगातार कर दें तो निश्चित ही आपके पशु की डीवार्मिंग हो जाएगी, पेट के कीड़े मर जाएंगे। और उसके बाद बात आती है, पशु को कहीं चोट लगकर यदि जख्म हो गया तो उस जख्म को ठीक करने के लिए पहले जख्म को हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए कि उसमें कोई मिट्टी कांच आदि नहीं रहना चाहिए, और उसके बाद नीम के पत्ते, हल्दी, शहद मिलाकर जख्म पर लगा देने से बहुत जल्दी ठीक होता है। अब आप पूछेंगे कि मात्रा कितनी। दोस्तों, जख्म के हिसाब से हम समान मात्रा में ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है उस ये, और जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद अब बात आती है कि यदि जख्म में कीड़े पड़ गए तो उसके लिए क्या करें। दोस्तों, उसके लिए 40 ग्राम नीम के पेड़ की छाल लेनी है, तने की छाल, उसको बारीक कूटकर पाउडर बना लें और कपड़े में से छान कर उस पाउडर में देसी गाय का मूत्र, जिसको हम गौमूत्र बोलते हैं, वह मिलाकर कीड़े जहाँ पर हैं, जिस जख्म में हैं, उसमें लगा दें। बहुत जल्दी कीड़े मर जाएंगे और जख्म भी जल्दी ठीक होगा। तो इस प्रकार यह जख्म में कीड़े मारने के लिए देसी दवाई हम अपने घर पर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि यदि पशु कम खाता है, उसको बदहजमी हो गई, तो उसके लिए क्या करें। नीम के पत्ते लेंगे हम 30 ग्राम, हल्दी 30 ग्राम और साधारण नमक 30 ग्राम, यानी तीनों चीज़ें समान मात्रा में, और सारी चीज़ों को मिलाकर अपने पशु को पिला देंगे, और 3 से 4 दिन हम पशु को यदि पिलाएंगे तो उसका पाचन ठीक हो जाएगा, उसका लीवर ठीक हो जाएगा, और वह अच्छे से खाना खाने लगेगा और अपना दूध भी पूरी तरह देगा। तो दोस्तों, अब उसके बाद चलते हैं कि अगला जो रोग है, साधारण सी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, पशु का दूध बढ़ाने के लिए भी हम नीम का उपयोग करते हैं। दूध बढ़ाने के लिए हम तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं। दोस्तों, जब पशु बच्चा दे के 10 दिन उसको हो जाए, तो 10 दिन के बाद उसके सामने हमें खाने के लिए नीम के पत्ते डालने चाहिए, और वह जितनी मर्जी उतना खा लेगा, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। निश्चित ही पशु इससे दूध बढ़ाता है और उसकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, तंदुरुस्त रहती है। दोस्तों, उसके बाद पशु यदि किसी भी कारण से लंगड़ाता हो, हड्डी नहीं टूटी हो, वैसे उसको चोट मोच आई हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, नीम के पत्तों का रस निकाल कर उसमें थोड़ा सा साधारण नमक मिलाकर जिस जगह पर चोट है, पशु लंगड़ा रहा है, उस पर लगा देंगे, और उसके 3-4 घंटे बाद नारियल के तेल की मालिश कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हम अपने घर पर रहकर ये 6-7 तरह अपने पशु का इलाज कर सकते हैं। नीम का पेड़ जो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। लाइक वीडियो के लिए बनता ही है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।